नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ हारती। बता दें आपको, भारत देश जहां पर हर दिन कोई ना कोई त्यौहार ज़रूर होता है, यहां पर धर्म में भगवान में अटूट आस्था रखी जाती है, यहां हर दिन भगवानों को पूजा जाता है, यहां पर हर दिन के हिसाब से भगवान की पूजा की जाती है। जैसे सोमवार के दिन भोलेनाथ की, तो मंगलवार को मंगल मूर्ति की, बुधवार को गजानन महाराज की, इसी के साथ आगे भी ऐसे ही पूजा की जाती है। इसी के साथ आपको बता दें, भगवानों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर कई उपाय आदि भी किए जाते हैं, जिससे भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। और ऐसा कोई भी काम करने से हम लोग डरते हैं जिसकी शास्त्रों में मनाही हो। आज भी हमारे देश में रात के समय कोई नाखून नहीं काटता है, वीरवार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, ऐसी ही कई रीत सदियों से चली आ रही है। बता दें आपको, ज्योतिष के जानकार अब ऐसा बता रहे हैं कि ग्रहों में निरंतर बदलाव होने के कारण ब्रह्मांड में कई योगों का निर्माण होता है और ये योग 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी राशि में इस शुभ योग की स्थिति ठीक हो तो इसका हमें शुभ परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी कुंडली में इन ग्रहों की चाल ठीक ना हो तो इसके विपरीत भी परिस्थितियां हमें देखने को मिलती है। बता दें आपको, ज्योतिष गणना के अनुसार आज से कुछ राशियों का समय शुभ समय, अच्छा समय आरंभ होने वाला है। कई सालों के बाद इन राशियों के लोगों को राजयोग का सुख मिलने वाला है और इनके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी और इनको हर तरफ से तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं अब वो कौन सी है 5 राशि। इन 5 राशियों में से सबसे पहला नाम जो निकल के आया है वो है वृषभ राशि वालों का। बता दें आपको, वृषभ राशि वाले लोगों का आने वाले समय राज योग का सुख उन्हें मिलने वाला है। इन लोगों को आर्थिक उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आपको आर्थिक उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं, आपका रुका हुआ पैसा भी आप लोगों को वापस मिल सकता है, आपके कारोबार के सिलसिले में किसी विदेश यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है, आपको आपकी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, अचानक आपको लाभ के बहुत से अवसर आपके हाथ लग सकते हैं, भागीदारों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आप लोगों से प्रसन्न हो सकते हैं। इसी के साथ आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो उसमें भी आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को आने वाले दिनों में अपनी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, आपकी कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, व्यापार में कोई नया अनुबंध हो सकता है, अचानक आपको तरक्की मिलने से बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिससे आपका मन भी आनंदित रहेगा, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके काम जो कि काफी लंबे समय से रुके हुए थे अब उनको भी पूरे होने का टाइम आ गया है, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपको अपनी भाग दौड़ का अच्छा परिणाम अब मिलने वाला है। इस क्रम में तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों का आने वाला समय बहुत ज्यादा लाभदायक रहने वाला है, विशेष रूप से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होने वाली है, समय के अनुसार आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके द्वारा किया गया निवेश शुभ रहने वाला है, घर परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिलने वाला है, आपके द्वारा किया गया काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, मित्रों की सहायता से आप अपने अधूरे काम को पूरा कर सकेंगे। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है, भागीदारों के सहयोग से आप अपने कारोबार में कुछ बदलाव जरूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल हो जाएंगे, नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आपका कोई पुराना वाद विवाद भी दूर हो सकता है,
भूमि भवन से संबंधित योजनाओं में आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन आप लोगों का काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब आपको पांचवी राशि के बारे में भी बता देते हैं। वो पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को इस राजयोग का पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। आपके द्वारा की गई मेहनत सफल हो जाएगी। रिश्तेदारों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आप लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आप लोगों की वृद्धि होने वाली है। आमदनी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। आप कोई बड़ा काम करने का मन बना रहे हैं तो उसे जरूर करें। लव लाइफ के लिए बता दें, आपकी लव लाइफ बहुत ही बेहतर रहने वाली है। आप कुछ नए लोगों से मित्रता कर सकते हैं जिनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी।